नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का चुंबकत्व चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का चुंबकत्व चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है तो आपको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किस दिशा में होती है दोस्तों? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक हैं एक, चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत चुंबक हैं एक तो अस्थाई चुंबक हैं, विद्युत चुंबक हैं एक तो अस्थाई चुंबक हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीन नंबर कह रहा है कि एक गॉस बराबर होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एक गॉस बराबर होता है तो 10^-4 टेस्ला के बराबर होता है। एक गॉस जो है वो आपको 10^-4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चार नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। तो टेस्ला जो है वो आपको फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो टेस्ला नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पाँच नंबर कह रहा है कि निम्न में प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। निम्न में कौन आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं? तो जस्ता जो है वो आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। कौन है दोस्तों? तो जस्ता हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको छः नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। यही जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, यही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सात नंबर कह रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जेम्स मैक्सवेल ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जेम्स मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जेम्स मैक्सवेल ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जेम्स मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आठ नंबर कह रहा है कि एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं तो 10^18 से 10^21 परमाणु होते हैं। एक डोमेन में लगभग 10^18 से 10^21 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नौ नंबर कह रहा है कि विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं। विद्युत मशीनों को क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं? तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए बनाते हैं। क्यों बनाते हैं दोस्तों? तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है तो आपको पैरा चुंबकीय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो पैरा चुंबकीय कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो आपको अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। कौन है दोस्तों? तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती हैं तो आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। किस दिशा में होती हैं दोस्तों? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थाई चुंबक नहीं बना सकते हैं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस पदार्थ का अस्थाई चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो नरम लोहा का अस्थाई चुंबक नहीं बना सकते हैं। किस पदार्थ का नहीं बना सकते हैं दोस्तों? तो नरम लोहा का। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है? तो तांबा जो है वो आपको चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हैं तो आपको वेबर हैं। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हैं तो आपको वेबर हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान होता है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान होता है तो इकाई से कुछ अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? तो इकाई से कुछ अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि चुंबक के ध्रुव जो हैं वो आपको अलग नहीं किए जा सकते हैं। चुंबक के ध्रुव जो हैं वो आपको अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको इस्पात किया जाता है। कौन सा पदार्थ किया जाता है दोस्तों? तो आपको इस्पात किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो कार्बन स्टील बिल्कुल उपयुक्त है, एलनिको ये भी बिल्कुल उपयुक्त है और एल्कोनेक्स ये भी बिल्कुल उपयुक्त हैं, यानी कि ये सभी उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक है। फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक है तो आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम जो है वो आपको अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन है दोस्तों? तो आपको एल्युमिनियम है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम जो है वो आपको अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा है तो अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा जो है वो आपको अंगूठा दर्शाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि एक चुंबक के ध्रुव जो हैं वो आपको अलग नहीं किए जा सकते हैं। एक चुंबक के ध्रुव जो हैं वो आपको अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता। एक साधारण चुंबक जो है वो आपको किसे आकर्षित नहीं करता? तो कांसा को आकर्षित नहीं करता। एक साधारण चुंबक जो है वो आपको कांसा को आकर्षित नहीं करता। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक में है क्या है दोस्तों? तो आपको मृदु लौह कोर है। विद्युत चुंबक में है तो मृदु लौह कोर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर कह रहा है कि चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा। चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिस्तंभ होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर कह रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो आपको 90 डिग्री पर होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो आपको 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 29 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबक डैश की बनी होती हैं। तो आपको नरम लोहे की कोर की बनी होती हैं। विद्युत चुंबक जो है वो आपको नरम लोहे की कोर की बनी होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो आपको वेबर जो है वो आपको चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है। तो एक आपको सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। तो आपको इकाई होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है तो आपको इकाई होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी तो आपको 2 होगी। कितनी होगी दोस्तों? तो आपको 2 होगी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आपको ध्रुवों पर होती है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक जो है वो आपको ध्रुवों पर होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है, तो आपको अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो आपको अधिक होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपको उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। किस दिशा की ओर संकेत करता है दोस्तों, तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि निर्वात को माना जाता है। निर्वात को माना जाता है, तो आपको अनुचुंबकीय सामग्री माना जाता है। निर्वात को माना जाता है तो अनुचुंबकीय सामग्री माना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है वह कहलाता है, तो वह आपको क्यूरी ताप कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह आपको क्यूरी ताप कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है वह कहलाता है, तो वह आपको क्यूरी ताप कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्रहक यानी कि कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, तो आपको दक्षिण दिशा में झुका हुआ होता है। किस दिशा में झुका हुआ होता है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र है। वह शब्द क्या है दोस्तों, तो वह शब्द है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से किस बल की प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो आपको पिंड का भार का नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों, तो पिंड का भार का। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। निम्नलिखित में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो चुंबक पत्थर में नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों, तो चुंबक पत्थर में नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनने के लिए उपयुक्त होता है। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनने के लिए उपयुक्त होता है, तो वह आपको अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो आपको निकेल जो है वो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। कौन है दोस्तों, तो निकेल हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया है। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।